नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। और दोस्तों अभी बात कर रहे थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज की, और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर एक ही रिलेशनल स्कीमा पर दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हों तो उसको कैसे कंपेयर किया जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंसी का कि भाई दोनों सेम है कि नहीं या क्या रिलेशन के बीच में है। तो आइए दोस्तों उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इक्विवेलेंसी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास एक टेबल R जहां पर चार कॉलम से P, Q, R, S और दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। तो सवाल दोस्तों बनता है X और Y कि भाई आपस में इक्वल है अनइक्वल है, कौन किसका सबसेट है। पहले समझना पड़ेगा प्रॉब्लम का डोमेन क्या, प्रॉब्लम आया कहां से। लॉजिकली समझिए, डिजाइनिंग प्रोसेस में मान लीजिए AR डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया एक रिलेशनल मॉडल में, और आपने ये टास्क दो अलग अलग इंजीनियर्स को दिया इन द डिजाइनिंग प्रोसेस। पहला इंजीनियर क्या आता है कि AR डायग्राम को जब हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने आइडेंटिफाई की डायग्राम को, उस कंसेप्ट को स्टडी करके, उसके सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स को। और दूसरा इंजीनियर बोल रहा है कि दीज आर द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमने आइडेंटिफाई की। अब देखिए बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको आगे जाना है डिजाइनिंग प्रोसेस और नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करना है। बट बिफोर नॉर्मलाइजेशन हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास सही सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो। अब हम कंफ्यूजन में, एक दुविधा में है, विडंबना में है कि x और y में से कौन सा बेटर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो हमें देखिए क्या करना आना चाहिए, हमें दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कंपेयर करना आना चाहिए, उनका इक्विवेलेंस देखना आना चाहिए कि अगर दो डिपेंडेंसीज है तो दोनों में बेटर कौन है, या दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है। तो ये देखिए दोस्तों डोमेन है। अब लॉजिकली समझिएगा फिर दोबारा प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं आसान सा उदाहरण दूं, अगर दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं और हमें पता लगाना है कौन बेहतर दौड़ता है, तो जैसा आपने देखा हम रेस कराए, भाई जिसने पहले कंप्लीट किया वो बेटर रनर है, एथलीट है। लेकिन उसके लिए रेस सेम जगह से स्टार्ट होना जरूरी है ना। अगर कोई कहीं और से दौड़ा और कोई कहीं और से दौड़ा और फिर आपको जज करना हो फिनिशिंग लाइन पे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिकॉज दोनों ने एक जगह से दौड़ना स्टार्ट नहीं किया था। ठीक, समझिएगा सेम समस्या मुझे यहां आती है। एक्स और वाई दो को मेरे को कंपेयर करना है, बट दोस्तों इनका जो डोमेन है ना वो अलग अलग है। जैसे आप ध्यान दीजिए एक्स पर इसका जो डोमेन है ये कहां से बात स्टार्ट करते है? स्टार्ट करता है पी से, क्यू से और आर से। तो तीन वादे करेगा कि भाई पी से मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्यू से क्या कर सकता हूं, आर से क्या कर सकता हूं। बट अगर आप वाई की तरफ देखेंगे तो पी और आर तो सेम है लेकिन क्यू से उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया, तो क्या देखते ही बता दें कि डिफरेंट है कि अलग अलग है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉब्लम समझिएगा पहले क्या है, इनका जो स्टार्टिंग डोमेन है वो सेम नहीं है। अगर स्टार्टिंग डोमेन सेम ना हो तो दोस्तों कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या है इस बात का, पहले इनके स्टार्टिंग डोमेन को हमें सेम करना पड़ेगा, इनको एक स्टेज पे लाना पड़ेगा, एक लाइन पे खड़ा करना पड़ेगा, तब हम इनकी रेस लगाएंगे। अब उस एक लाइन पे कैसे खड़ा करें, तो दोस्तों यहां हमारा जो साथ देता है वो है क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स निकालने का जो कांसेप्ट है, जो आईडिया है, जो हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो समझिएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन ही डोमेन है, मैं बोलता हूँ डोमेन मतलब जहाँ से गेम स्टार्ट हुआ, तो या तो हमारे पास P है, या तो Q है, या तो R है। तो हम एक काम करते हैं इन सब के लिए क्लोजर निकाल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं क्लोजर का मतलब कि वो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो P से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अब देखिए यहाँ जाता है कहानी में ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा, एक्स फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज नहीं करूंगा दोस्तों क्लोजर निकालने के लिए। वो क्यों, बिकॉज ये तो मेरे सामने ही है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि एक्स और वाई को मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज उनका डोमेन सेम नहीं है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये सब क्लोजर्स निकालूंगा, बट दोस्तों किसको यूज करके, वाई को यूज करके। तो ये है मजेदार कहानी। अब मैं यूज करता हूं वाई को, और जब वाई को मैं यहां पे वाई के को यूज करके क्लोजर निकालूंगा तब मैं इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर पाऊंगा। तो अब देखिए अगर मैं y को देखते हुए निकालता हूं तो दोस्तों p से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑफ कोर्स q और r आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा, और r आपको फर्दर दिला सकता है s, तो मतलब p के क्लोजर में p q r s सभी कुछ आ गया। आगे देखिए r की अगर बात करें, अब q का वहां पे कोई प्रॉमिस नहीं है, इसका मतलब q के क्लोजर में दोस्तों बस q ही रहने वाला है। और r का अगर आप देखेंगे तो r से हमको मिलने वाला है s और कुछ नहीं मिलेगा। यस और नो, यस। अब आप यहां पे देखिएगा ये जो क्लोजर है
ये लिखे तो पी क्यू आर के हिसाब से मैंने हैं, बट ये क्लोजर जो है ये किसकी ताकत किसकी कैपेसिटी बता रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट वाई की, बिकॉज मैंने वाई को ही यूज किया दोस्तों ये क्लोजर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब देखिए कंपेयर कर लेता हूं, इनमें अब करा देते हैं कॉम्पिटिशन, और एक्स बोलता है कि मैं पी से क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्यू, क्या y भी p से q आइडेंटिफाई कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। तो मान लेते हैं इसको हमने कवर कर लिया, पहली डिपेंडेंसी कवर है। फिर देखिए x बोल रहा है कि q से क्या आइडेंटिफाई कर सकता है r, क्या हम भी q से r आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां हो गई समस्या, और आप देख रहे हैं कि हम q से r आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसका मतलब दोस्तों ये डिपेंडेंसी कवर्ड नहीं है। आखिरी देखिएगा तो बोलेगा आर से कर सकते हैं एस, क्या हम भी आर से एस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। बट अब देखिए यहां पर एक समस्या और क्या चीज समझ गए, क्या कि x कम से कम एक ऐसा काम दोस्तों कर सकता है जो y नहीं कर सकता, और वो काम क्या है, वो काम है q से r आइडेंटिफाई करने का। तो देखिए एक बात तो पक्का पता लग गई, वो क्या कि x जो है साहब वो y का जो है सबसेट नहीं है। वो क्यों, x कुछ ऐसा कर पाया जो y नहीं कर पाया। तो अगर यहां ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो a तो हो जाता है पक्का गलत, और अगर सबसेट नहीं है तो इक्वल भी अब ये नहीं हो सकते। तो अब देखिए दूसरा फेस चेक करते हैं, वो कैसे करेंगे, तो देखिए बिल्कुल आइडिया कर देता हूं रिवर्स। अभी वाई के जो डोमेन है वो है दोस्तों पी और दूसरा है आर, बट इस बार पी और आर को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स हम निकालने वाले हैं या यूज करने वाले हैं किसको, एक्स को, ताकि वाई पर कंपैरिजन किया जा सके। तो चलिए एक्स का इस्तेमाल करके मैं पी का क्लोजर निकालूंगा। तो दोस्तों तो पी से आ जा रहा है क्यू, और क्यू हमको पहुंचा रहा है आर तक, और ठीक उसी तरह आर से हम पहुंच रहे हैं एस तक, इसका मतलब पी क्यू आर एस। दोस्तों चारों एट्रीब्यूट्स हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अभी आर में देखेंगे तो आर से यहां पर दोस्तों निकल सकता है एस, क्या और भी कुछ आइडेंटिफाई हो पा रहा है, जी नहीं। तो ये देखिए आ गया क्लोजर सेट, और अब हम चेक कर लेते हैं वाई को। वाई ने वादा किया था कि वो पी से और क्यू और आर आइडेंटिफाई कर सकता है, क्या हम भी पी से क्यू और आर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जी हाँ। तो पहली जो डिपेंडेंसी है वो हमने कवर कर ली है। अगला देखिए उसने बोला कि वो आर से आइडेंटिफाई कर सकता है दोस्तों एस को, और देखिए हम भी आर से एस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो पावर है दोस्तों लिखी हुई है एक्स की, है ना। तो अब क्या यहां पर दोनों डिपेंडेंसी हमने कवर कर ली, जी हाँ। तो देखिए आइडिया समझिएगा क्या है, y जो भी प्रॉमिस कर रहा था आइडेंटिफाई करने का, क्या वो काम x ने भी किया, जी हाँ। इसका मतलब अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि y जो है साहब वो सबसेट है किसका, x का। दोबारा समझिएगा, y ने की जो दोनों डिपेंडेंसीज थी वो x के क्लोजर से जो मैंने जनरेट किए थे और उससे मैंने उसको सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब अब x जो भी काम, y जो भी काम कर सकता है वो दोस्तों x भी कर सकता है। तो y जो है सबसेट हो गया x का। तो फिलहाल यहां पे करेक्ट ऑप्शन तो बनता है b, बट एक बार समझिएगा कंक्लूजन क्या निकला। अब इस बात का कंक्लूजन ये है कि अगर दो अलग अलग इंजीनियर थे और दोनों ने अलग अलग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाई थी, तो y पूरी बात लेके नहीं आया, y ने कुछ बात मिस कर दी थी, क्योंकि x एक ऐसा काम कर सकता था जो y नहीं कर पाया, लेकिन y जो कर सकता था वो भी x ने कर दिया। तो अगर अब हम एडमिनिस्ट्रेटर और हमको जाना है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की तरफ, तो हमको चूज करना चाहिए x को, x इज अ बेटर सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसीज। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन क्यों करते हैं ये समझना जरूरी था। तो कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है, और कंपैरिजन करने का क्या बेहतर तरीका, वो हमने सीखा। एक और चीज समझिएगा, इन वीडियोस में मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क आपको बताऊं कि हर किसी, मतलब समझिएगा, कुछ लोग सोच सकते हैं इसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, जी बिल्कुल है, लेकिन मेरा काम यह है फिलहाल कि हर किसी को बात समझ आनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे ये डिपेंडेंसी जो है वो खराब हो गई तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा बातें बोल देते तो चीज हो जाती है कॉम्प्लेक्स। तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूं कि बहुत सरल भाषा में एक फ्रेमवर्क समझाऊं जिस पर हर कोई काम कर सके। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट नजर आता है तो बिल्कुल आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपैरिजन जो है बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा। अभी इसी वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे इंक्रीज होती है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कंपैरिजन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे। तो दो क्वेश्चन यहां मैंने लिए, पहले की चलिए बात करते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन बहुत लिया है एबीसी, और दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है एफ और जी, और हमको बताना है इन कंपैरिजन दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंस है दोनों के बीच में या नहीं। एक और बात पे गौर करिएगा, यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया और दोनों का डोमेन बिल्कुल है सेम, बट फिर भी आप समझिएगा हमारा प्रोसेस बहुत स्टैंडर्ड है। तो मैं सिंपल प्रोसेस से स्टार्ट करता हूं, चाहे तो डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं।
सकते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, तो बहुत मैं सिंपल वही पैटर्न इस्तेमाल कर रहा हूँ जो फ्रेमवर्क हम सीखते हुए आए हैं। तो ऑफकोर्स तीन डोमेन यहाँ पर हैं, ए बी और सी। तो दोस्तों तीनों के लिए जो है हम क्लोजर निकाल लेते हैं, और जैसा हमने सीखा है क्योंकि कंपेरिजन करना है तो वो क्लोजर मैं निकालूंगा थ्रू जी। तो देखिए ए से पहले ही सेट में ए से हमको मिल सकता है बी सी, तो तीनों चीज हमारे पास से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बी से आप देखेंगे दोस्तों, तो बी से आप पहुंचेंगे ए तक, और ए से दोबारा मिल सकता है बी सी, तो ए बी सी तीनों चीजें बी से भी मिल जाएंगी। और सी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो सी से मिलेगा ए, और ए के पास है सब कुछ, तो ए से भी ए बी सी तीनों आपको मिलेगा। तो जी ने क्लियर कट अपना स्टैंडर्ड बता दिया, और देखिए बड़ी मजेदार बात है, ए बी सी तीनों ही कैपेबल है ए बी और सी तीनों को फाइंड करने के लिए। तो देखते ही बताया जा सकता है कि तीनों के तीनों दोस्तों जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कैपेबल हैं हम कवर करने के लिए। तो एफ अगर बोलता है कि वो ए से बी आइडेंटिफाई कर सकता है, तो जी कहता है मैं भी कर सकता हूं, जो बी और सी का प्रॉमिस है वो भी कर सकता है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी निकला, एफ जो भी काम करता है वो काम दोस्तों जी भी कर सकता है। इसका मतलब यहां पर एफ जो है वो बन जाता है सबसेट जी का। ये इंफॉर्मेशन तो पता लगी। अभी दूसरा कंपेरिजन करते हैं, तो जी देखिए क्या कर पा रहा है, जी क्लोजर फाइंड कर पा रहा है ए से बी से और सी से क्लोजर निकाल के, तो वही काम हम करते हैं। बट इस बार दोस्तों जैसे हम करते हैं क्लोजर सेट या जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैं यूज करने वाला हूं वो होंगी एफ की। तो एफ से आप पूछिएगा तो ए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बी को, और बी से पहुंचे सी तक। सिमिलरली बी जो है वो फाइंड कर रहा है डायरेक्टली सी को, और सी से आप पहुंच जाएंगे ए तक, और यहां पर सी से देखेंगे तो सी से डायरेक्टली आपको मिलेगा ए, और ए आपको पहुंचा देगा बी तक। तो अगेन तीनों ही जो क्लोजर है ए बी सी, वो तीनों एट्रीब्यूट जो है ए बी सी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी आप इधर से देखिए कवरिंग, जी बोलता है कि वो ए से बी सी आइडेंटिफाई कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, हम मतलब अभी एफ के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। फिर बोलता है बी से ए निकाल सकते हैं, हम भी बी से ए निकाल सकते हैं, सी से ए निकाल सकते हैं, हम भी सी से ए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों डिपेंडेंसीज जो हैं जो मैंने एफ को यूज करके यहां पर जनरेट किया था वो जी का हमने कर लिया है कवर। तो इसका मतलब अब जी जो काम कर सकता है वो दोस्तों एफ भी कर सकता है। और बड़ी सिंपल सी बात है सेट थ्योरी की, जैसे हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट मींस ए इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब एफ और जी दोस्तों जो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट अब हमारे पास है ये दोनों है इक्विवेलेंट, है ना। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब अगेन अलग अलग डोमेन है, तो जैसा हमने समझा है पहले देख लेते हैं यहां पर किस किस चीज से प्रॉमिस है। तो पहला डोमेन है दोस्तों W, दूसरा डोमेन है WX, और लास्ट डोमेन है Z, है ना। तो इन तीनों के लिए क्लोजर निकालते हैं, बट क्लोजर निकालने के लिए मैं यूज करने वाला हूं G को। तो देखिए W की अगर बात करें तो W से आपको मिलने वाला है X और Y, और क्या उसके अलावा और कुछ मिलेगा, जी नहीं, बिकॉज Z हमारे पास नहीं है। डब्ल्यू एक्स भी आई थिंक कहानी में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, फिर दोबारा डब्ल्यू एक्स वाई, बट Z से यहाँ कुछ बात बनेगी। तो आप देख रहे होंगे Z से आपको वाला है क्या, तो Z से मिलेगा W और X, और W से XY आपके पास है, तो W XY Z, है ना। चारों एट्रीब्यूट दोस्तों मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कंपैरिजन। तो F ने बोला कि वो W से फाइंड कर सकता है किसको, X को। G के थ्रू हम देख रहे हैं G भी जो है वो W से X को फाइंड करना जानता है। तो पहली डिपेंडेंसी कवर कर ली है किसने, किसकी, G ने F की, है ना। फिर F ने बोला कि वो WX आइडेंटिफाई कर सकता है Y को, G भी WX से Y को आइडेंटिफाई कर सकता है कवर्ड। फिर बोल रहा है Z से आइडेंटिफाई कर सकता है WY को, Z से आइडेंटिफाई कर सकता है WY को कवर्ड, और लास्ट बोला Z से आइडेंटिफाई कर सकता है V को। अब देखिए यहां कहानी आके फंस गई, अगर आप देख रहे हैं G के अंदर तो V एट्रीब्यूट जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ना ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, ना ही राइट हैंड साइड पे किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के। तो फिलहाल एक दोस्तों डिपेंडेंसी ऐसा है या एक ऐसा काम है जो F करना जानता है बट G नहीं वो कर पा रहा। तो इसका मतलब क्लियर कट बोल देता हूं कि कम से कम F जो है दोस्तों वो सबसेट नहीं है G का, इतना तो हमें पता लग गया। अब डिफरेंट टाइप पे काम करते इधर देखेंगे तो यहां पर दो ही आपके पास डोमेन जिसे मैं बोलता हूं है वो है W और Z। तो फिर आगे देखते हैं। अब W की अगर आप बात करेंगे और ये जो क्लोजर है वो यूज करूंगा मैं कैलकुलेट करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी F को, तो W से आप देख रहे हैं W से निकाल सकते हैं यहां पर X, और WX मिल के आपको पहुंचा सकता है Y तक, बट फिर Z आपके पास नहीं, तो यहीं आपको वेट करना होगा। Z के लिए देखेंगे तो Z देखिए दोस्तों पहुंचा सकता है आपको WY,
और V तीन एट्रीब्यूट डायरेक्ट दिला देगा, और Z ऑलरेडी आपके पास है, बचा कौन WX से X, W से आपको मिलेगा X, तो वो भी दोस्तों आपको मिल सकता है। तो आई थिंक सभी कुछ हमें मिल गया, और अब जो प्रॉमिस थे G के वो देख लेते हैं। G ने बोला कि W से पहुंचा सकते हैं एक्स वाई तक, हम भी दोस्तों W से एक्स वाई तक पहुंचा सकते हैं, और Z से पहुंचा सकता है वो डब्ल्यू एक्स तक, और हम भी देखिए डब्ल्यू एक्स तक पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब देखिए फिर दोबारा क्या हुआ, ये जो क्लोजर मैंने निकाला था वो F को यूज करके निकाला था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि G जो प्रॉमिस करता है वो काम हम F के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर हो जाती है ट्रू कि G जो है साहब वो सबसेट है किसके लिए, F के लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से भी आपको बेसिक आइडिया दोस्तों क्लियर हुआ होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंस क्या है, हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं, और क्या आइडिया है, और कंपैरिजन करने का फ्रेमवर्क कैसे जल्दी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ अभी इसी सीक्वेंस की अगली वीडियोस के साथ। और देखिए धीरे धीरे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज पर, क्लोजर्स पे। तो देखिए अभी हमने बेसिक फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर ली है, अभी कंपैरिजन इक्विवेलेंस करना सीख गए हैं, अगला टॉपिक दोस्तों बात करेंगे मिनिमाइजेशन पर। बिकॉज डिजाइनिंग में ऐसा हो सकता है इंजीनियर आपके पास जो डिपेंडेंसीज लेकर आया उसमें कुछ रिडंडेंसी है, तो उस रिडंडेंसीज को कैसे ढूंढना है और कैसे उनको एलिमिनेट करना है, उस पर एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन करते हैं दोनों दोस्तों आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा समय, धन्यवाद।